आप बात को डाइवर्ट मत कीजिए। देखिए आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूरा प्रश्न पूछ रहा हूँ। बताइए ना, कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आकर ये चीज को डाइवर्ट किया? किया देखिए, नवाब मलिक झूठ बोलते हैं, नवाब मलिक झूठे आरोप लगाते हैं, नवाब मलिक का काम है रोज टीवी पे आके सलीम जावेद की पिक्चर दिखाना, कुछ भी बोल देना, किधर है फैक्ट एंड प्रूफ? आप बताइए कौन से नेता ने आके और मेरे पे कौन सा ड्रग का आरोप है कि जो आप मुझे ये बात कर रहे हैं? मैं कोर्ट में गया हूँ, मैंने वकील का नोटिस भेजा, क्यों नहीं आपने जवाब दिया आज तक? आप सच्चे हैं? देखिए ऐसा है कि बात तथ्यों पे होती है, सिर्फ बोलने से नहीं होती है। आपको मैंने लीगल नोटिस 15 भेजे, आज तक उसका जवाब क्यों नहीं आया? आप सच्चे हैं ना, तो जवाब दीजिए, बताइए ना। आप दिखाते वीडियो ऑडियो, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मेरा नाम लेके या मेरे संरक्षण करने की बात की? पहले दिन से ये लड़ाई मैं स्वयं लड़ रहा हूं। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैबिनेट मिनिस्टर के मंत्रालय में ऑफिस में नहीं ली, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नहीं ली, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एज अ मुंबई अध्यक्ष राष्ट्रवादी के प्रोटोकॉल को यूज करते हुए नहीं गई। मैं पहले दिन से ये लड़ाई खुद के हिम्मत, खुद के ऊपर, सच्चाई के ऊपर लड़ रहा हूँ। मेरी प्रेस पहले भी घर पर हुई, बाद में मैंने प्रेस क्लब पर ली। अब ये नवाब मलिक जी डर गए हैं, घबरा गए हैं, और मैं बोलना चाहूँगा, पहली बार जो लोग एक नैरेटिव चलाते थे ना, डरा हुआ है मुसलमान, तो ये डरा हुआ है मियाँ, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुका है, ये नंगा हो चुका है, इसके पूरे पाप लोगों के सामने आ गए हैं। झूठे नरेटिव, झूठी स्टोरी और कैसे झूठे आरोप लगाने हैं, ये उन्होंने चालू किया है। प्रश्न क्या था कल? राष्ट्रीय मीडिया का प्रश्न था, अनिल देशमुख और चिंकू पठान का रिश्ता, सुनील पाटिल और एनसीपी के रिश्ते, वो ऑडियो जिसमें वो बात कर रहा है होम मिनिस्टर्स की और कैसे वो काम कराता था, मीडिया को ये प्रश्न पूछना चाहिए। इतना सीरियस मैटर, देखिए 12 करोड़ महाराष्ट्र में पॉपुलेशन है, एक बंद कमरे में दाऊद इब्राहिम जो 93 ब्लास्ट का आरोपी है, उसके साथ शायदरी जैसा जो सरकारी गेस्ट हाउस है, उसमें एक होम मिनिस्टर मीटिंग करता है, ये बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन है, सीरियस मैटर है। पिछले साल देखिए 20 जनवरी को 2021 को अरेस्ट हुआ चिंकू पठान, और अप्रैल के बाद अनिल देशमुख जी अरेस्ट हुआ, रेजिग्नेशन दिए होम मिनिस्टर से। ये मीटिंग पिछले साल की है, कोविड में की मीटिंग है, जब पूरा लॉकडाउन था, और शायदरी गेस्ट हाउस में है। तो इतना सीरियस मैटर जिसके अंदर, जिसको आर्म्स एंड एम्युनिशन, सिर्फ ड्रग नहीं, उसको असला हथियार के साथ अरेस्ट किया, न्यू बॉम्बे से कैश के साथ अरेस्ट किया, और म्याऊ म्याऊ ड्रग का रैकेट सबसे बड़ा चलाता था। उसके बाद 20 और पेडलर्स के ऊपर रेड हुई और उनको अरेस्ट किया गया, 20 आफ्टर चिंकू पठान के अरेस्ट के बाद। इतने बड़े आरोप को मैंने अनिल देशमुख की फोटोग्राफ पिक्चर पूरे देश के सामने रखी, इसके ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? तर नवाब मलिक यांनी सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन मोहित कंबोज यांच्यावर आरोप केले, त्यानंतर आता मोहित कंबोज यांनी आपल्यावर मलिकांनी केलेले सगळे आरोप खोटे असल्याचं म्हटलेलं आहे। आई भवानीचा गजर म्हणजे 24 तास।